बहुत सारी बात करनी होगी, क्योंकि टॉस वो जीतते हैं, पहले गेंदबाजी का फैसला वो करते हैं, बड़ा स्कोर वो बनाते हैं, जब बड़ा स्कोर चेस करते हैं तो हाथ पांव उनके फूल जाते हैं। रोहित शर्मा, जब कप्तानी आपका वो कहते हैं फुस है, तो कैसे आप टीम से प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं? आज मुंबई की तरफ से वढेरा और पीयूष चावला ने सबसे अच्छी बल्लेबाजी, अर्जुन तेंदुलकर उससे उनसे अच्छी कर गए। तो मोनू क्या लगता है यार कि मुंबई इंडियंस के खेमे में, यार चलिए ठीक है गेंदबाजी आपकी कमजोर थी, ये चीज का जिक्र हम कर रहे थे शुरुआत से, आपने 207 खा लिए, लेकिन बल्लेबाजी करते हुए 55 रन पीछे रह जाएंगे, आप इतनी बुरी हालत तो नहीं सोची थी? बिल्कुल ठीक है, आपने ऐसी उम्मीद नहीं की थी, और खासकर रोहित शर्मा, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि आज अच्छी बैटिंग करेंगे, वो रंग में आएंगे, लेकिन फिर एक बार फिर से सॉफ्ट डिसमिसल आउट हुए, वो हार्दिक पांड्या ने उनका विकेट लिया। तो अब डिसमिसल कहां था यार, बीट हो रहे थे उन्होंने, 8 या 9 गेंद खेली, हर गेंद पे वो बीट हो रहे थे, कोई शॉट है नहीं जहां गेंद स्विंग हुई, और ये दूसरा या तीसरा मौका है जब वो स्विंग के अगेंस्ट उनको कुछ पता ही नहीं चलता कि गेंद कहां से आ रही है, कहां को जा रही है। रोहित शर्मा मुझे लगता है कि बिल्कुल आउट ऑफ द फॉर्म है, एक अर्धशतक जरूर लगाया है, वो भी दिल्ली के खिलाफ लगाया है, तो यार देखिए आप खुद सोच लीजिए, दिल्ली की मतलब वो है ये रोहित शर्मा की, आप नहीं कह सकते कि बल्लेबाजी है, तो दिल्ली की गेंदबाजी के लिए। और हम बात कर रहे हैं मुंबई की मजबूत बल्लेबाजी की, वो टुकड़ों में आई है, जहां दबाव की सिचुएशन आती है वहां मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज ये जो सबसे पीछे भागते हैं। आप पंजाब के खिलाफ देख लीजिए, जब पंजाब ने एक सपाट पिच पर एक बड़ा स्कोर बनाया वहां कुछ नहीं कर पाए, और राहुल तेवतिया सामने स्क्रीन पर चल रहा है, 5 गेंद लगी इनको 20 रन बनाने के लिए, विजय शंकर सेट हो गए थे और ठीक ठाक खेल रहे थे, 16 गेंद पर 19 रन, 118 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट, 1 चौका 1 छक्का। लेकिन इसके बाद जो पारी आई, डेविड मिलर की आई, अभिनव मनोहर की आई, राहुल तेवतिया की आई, इन तीनों ने मैच मुंबई इंडियंस से बिल्कुल छीन लिया, बिल्कुल छीन लिया। और गुजरात टाइटंस की यही तो खास बात है कि कोई ना कोई परफॉर्म यहाँ पर जरूर करता है, पीयूष चावला गेंदबाजी अकेले ही लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं गेंदबाजी का मतलब वो पूरा जिम्मा जो है कह देते हैं कि मुंबई इंडियंस का पीयूष चावला के ऊपर ही है, और हर मैच में एक दो विकेट्स ले रहे हैं। देखिए स्टार्टिंग में जब हम बात कर रहे थे लक्ष्य, तो हमने ये देखा कि किस तरीके से हम ये देख रहे थे कि मुंबई इंडियंस के पास प्लेयर्स तो हैं, लेकिन क्यों वो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे ये देखना होगा। चिराग हमेशा रोहित शर्मा को लेकर सपोर्ट करते रहे, क्या कमी दिख रही है आज, क्या कमी दिख रही है, क्योंकि आपने भी इस बात का सपोर्ट किया था कि देखिए अभी फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, हम इसको मानने से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन अगर बड़ा प्लेयर लगातार परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसे आप क्या कहेंगे? और लक्ष्य से भी मेरा ये सवाल है कि इतने सारे जब आप अच्छे प्लेयर्स रखते हैं तो फिर ना परफॉर्म करने के बाद आप जो मंथन करते हैं तो आप क्या देखते हैं? कुछ नहीं करते, एक टीम के रूप में तो मुंबई इंडियंस खेल ही नहीं रहे हैं, इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस हो रहे हैं, टिम डेविड एक इनिंग खेल जाते हैं, सूर्य कुमार यादव एक खेल जाते हैं, रोहित शर्मा एक इसी मैच में खेल जाते हैं, लेकिन जहां दबाव वाली सिचुएशन में सबको कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है, वहां मुझे लगता है कि जब कप्तान आपका इस तरीके का प्रदर्शन करे तो कप्तान क्या जाके बोलेगा कि कैसे खेलना है, मेरे जैसे खेलना है, मैं जैसे जैसे जल्दी आउट हो रहा हूं वैसे हो जाइए, क्या बोलेगा? शायद चिराग के पास हो। देखिए नहीं, कप्तान मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्लेबाजी में तो हार्दिक पांड्या भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पिछले मैच में अर्धशतक लगाया है, एक अर्धशतक हार्दिक पांड्या का, एक ही अर्धशतक रोहित शर्मा, ठीक है आप ये दाव खेले कि वो बट आप ये मत नहीं आप फिर भी ये भी हार्दिक पांड्या बॉलिंग में अपना कमाल दिखा देते हैं ना, अपनी कप्तानी में कमाल दिखा देते हैं ना, लेकिन ये ठीक है रोहित शर्मा की बात है, वो ठीक है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कप्तान भी सुस्त है, लेकिन आपको देखना होगा कि आपकी गेंदबाजी में कितने सारे खामियां हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जसप्रीत बुमराह पूरे टूर्नामेंट में नहीं थे, जोफ्रा आर्चर कहाँ है किसी को पता नहीं है, एक आध मैच में खेले उसमें परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो समस्या तो आपकी इंजरीज भी बहुत ज्यादा बनी हुई है ना यार। एक बात है, ये कौन सी इंजरी, जसप्रीत बुमराह ही तो नहीं है, जोफ्रा आर्चर खेल रहे हैं तभी भी हार रही है मुंबई इंडियंस, तो वो एक मैच खेल रहे इंजर्ड, इंजरी बार बार कंसर्न आ रहा है, मुझे लगता है वो भी एक दिक्कत। फिर बड़ा कप्तान कैसे हुए रोहित शर्मा, हम बार बार एक तुलना करते हैं धोनी वर्सेस रोहित शर्मा की, मोनू अगर उनको बड़े प्लेयर से ही मैच जीतने हैं तो वो अच्छे कप्तान या महान कप्तान कैसे बने? देखिए आप खेल के बनोगे, और रोहित शर्मा को रन बनाने पड़ेंगे अगर इस टूर्नामेंट में इस टीम को अगर आगे जाना है, तो रोहित को रन बनाने पड़ेंगे, सूर्य कुमार यादव को रन बनाने पड़ेंगे, जब तक ये रन नहीं बनाएंगे दोनों बैट्समैन तो तब तक ये टीम ऐसी सफ़र करेगी, और रोहित शर्मा का रन बनाना बहुत ज़रूरी है इस टीम के लिए, बिकॉज वो लीड करते हैं, जब देखिए जब एक कैप्टन रन बनाता है जो टीम का एटमोसफेयर वो पूरा चेंज हो जाता है, सो आई थिंक ईशान किशन को भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, रोहित शर्मा को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जब ये रन बनाएंगे तो जो आने वाले बैट्समैन उनके लिए भी चीज़ें आसान हो जाती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज शुभमन गिल ने ऊपर से रन बनाए, उन्होंने मैच विनिंग इनिंग खेली आज, उन्होंने वो टेम्परामेंट सेट किया था, जब आप इस तरीके का प्लेटफॉर्म सेट करते हो तो आने वाले बैट्समैनों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, जैसे डेविड मिलर ने आज आउटस्टैंडिंग नॉक खेली है 46 की, तो उन्होंने पूरा मैच पहले से बदल दिया था, 208 रन का टारगेट था,
सो आई थिंक उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या, आई थिंक क्रेडिट हमने राशिद खान को भी देना पड़ेगा, नूर अहमद को देना पड़ेगा, अहमद को देना पड़ेगा बिल्कुल, जिस तरीके गेंदबाजी की है और मेन बात है एक्टिव दिखते हैं फील्ड में जब भी खेलते हैं, सूर्य कुमार यादव का वो कॉट एंड बोल्ड लेकिन कितना शानदार, हार्दिक पांड्या भी तो एक्टिव दिखते हैं ना, जब आपका कप्तान आपको लगता है पूरी एनर्जी से भरा हुआ है, चुस्त है, चाहे डांट भी रहा है वो खुश भी हो रहा है, भाग के आ रहा है, गले लगा रहा है, एक रोहित शर्मा है आउट हो जाए तो ठीक है वहीं ठीक है बाय बाय टाटा, कुछ बॉडी लैंग्वेज भी तो बहुत बड़ी चीज होती है ना। बिल्कुल, देखिए वो तो समस्या है ही, शुरू से ही हम लोग इस चीज की बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज है और फिटनेस पर भी बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं रोहित शर्मा के, लेकिन वही है ना कि एज अ टीम आपको काम करना पड़ेगा, आपको आप टिम डेविड जैसा कि आपने कहा एक मैच में चल जाते हैं, सूर्य कुमार यादव किसी मैच में चल जाते हैं किसी में नहीं चलते हैं, तो आपको मैच विनर्स काफी सारे चाहिए होते हैं, कम से कम 2-3 मैच विनर्स आपके पास होने चाहिए, एक मैच में एक मैच विनर से आप नहीं मुकाबला जीत सकते, और बिल्कुल ठीक बात है आपकी, रोहित शर्मा को रन बनाने की जरूरत है, अगर रन नहीं बनाएंगे तो निश्चित तौर पर टीम पर तो इफेक्ट पड़ता है, बोझ बने हुए हैं अभी तो, आप ये कह लीजिए आप बोझ बनी है, और आप कह रहे हैं कि गेंदबाजी वीक है, तो आप क्या करें इंपैक्ट प्लेयर की तरह ले जैसे फाफ डुप्लेसी आते हैं तो बैटिंग में भी तो कुछ कर ही नहीं रहे ना, फाफ अपने इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हैं, 50 बना के जाते हैं, रन बना कर जाते हैं, तो आप खुद सोचिए ना, और रोहित शर्मा देखिए आप, मैं तो उनको कभी भी धोनी से कंपेयर नहीं करता था, धोनी ने जो किया है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में किया है, और आईपीएल में बहुत सारे पोलार्ड उनके पास थे, हार्दिक पांड्या उनके पास थे, जब रोहित शर्मा ने किया था, आज उनकी टीम पिछले साल से वीक दिख रही है, तो आप प्रदर्शन देख लीजिए, इसका मतलब तो साफ है ना कि जब अच्छे खिलाड़ी होंगे तभी एक कप्तान अच्छा है, अगर अच्छे प्लेयर नहीं है या वो लो लेवल के तो नहीं बोलूंगा मिड रेंज का जिनको अनुभव नहीं है तो फिर कप्तानी उनकी टैंट है फिस। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा चिंता का कारण इसलिए भी है क्योंकि इसके ठीक बाद आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की कप्तानी करनी है, इंडिया के लिए कप्तानी करनी है, और वहां पर अगर आपकी ऐसी बॉडी लैंग्वेज रहेगी तो ऑस्ट्रेलिया वाले तो खा जाएंगे। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर ये सवाल आईपीएल के पहले से भी हम उठाते रहे हैं रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर कि किस तरीके से उनकी कप्तानी जो है वो उतनी इम्पैक्टफुल नज़र नहीं आ रही है, जिसके हम बात करते हैं, एज अ प्लेयर भी वो कई जगहों पर परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, और अब एज अ कप्तान भी आईपीएल की टीम में हम बात करें या चाहे इंडिया की टीम में बात करें उतनी एग्रेसिव उनकी कप्तानी नज़र आ नहीं रही है, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या अब एज अ प्लेयर तो उनको काम करने की ज़रूरत है ही, लेकिन एज अ कैप्टन भी अब उन्हें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत, देखिए आज किस तरह का परफॉर्म किया है बता रहे हैं आपको, 8 गेंदों का सामना उन्होंने किया है और महज 2 रन उन्होंने बनाए, स्ट्राइक रेट भी इस दौरान सिर्फ 25 का रहा है, ये एक कप्तान का परफॉर्मेंस जाहिर तौर पे पूरी टीम पर असर डालता है, और आज हुआ भी वही है, एक के बाद एक कई विकेट्स जो है वो गिरते चले गए और हार का सामना भी करना पड़ा है मुंबई को, लेकिन बात हम यही कर रहे हैं कि क्या सिर्फ एक प्लेयर और एक कप्तान के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी टिकी हुई है, बाकी प्लेयर्स के परफॉर्म ना करने के पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं, सूर्य कुमार यादव 23 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी उतने अच्छे रन नहीं बनाए, तो क्या सिर्फ इस बात से टीम पर असर पड़ता है कि कप्तान ने रन नहीं बनाए तो हमें भी रन नहीं बनाने, और रणनीति पे भी मैं सवाल उठाऊंगा, सूर्य कुमार यादव आज नंबर 5 पर आए हैं, क्या वो नंबर 5 के बल्लेबाज है, कई मैचेस में तो हमने ये भी देखा है जब धोनी उतने रन नहीं बना पाए लेकिन इंडिया मैच जीती है, उनकी कप्तानी है क्योंकि बाकी प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो ये भी वही वाली बॉडी लैंग्वेज वाली बात है ना कि आप किस हिसाब से डिसीजन लेते हो, आप मुझे लगता है कि रोहित शर्मा जब मैदान पे उतरते हैं उससे पहले ही दबाव में रहते हैं कि जीतना है मुझे, जीतना है मुझे, जीतना है, वो जो एक्स्ट्रा दबाव है वो पूरी मुंबई इंडियंस को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ रही है, हार का दबाव है लक्ष्य, बिल्कुल, क्योंकि ये केवल आईपीएल का नहीं है या इंटरनेशनल क्रिकेट का भी है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वो लगातार हार झेल रहे हैं, रोहित शर्मा की बात छोड़ दीजिए, हार्दिक पांड्या के बारे में बात करते हैं, कप्तानी मैं सबसे टॉस के वक्त ही उनकी तारीफ कर देनी चाहिए थी जब नूर अहमद और राशिद खान दो अफगानी स्पिनर्स को उन्होंने खिलाया, बिल्कुल दो अफगानी स्पिनर्स को खिलाया था और दोनों ही अपना काम करते, 2 विकेट राशिद खान लेकर गए, 3 विकेट, मैच इन दोनों ने पलटा है, 5 विकेट, बिल्कुल इन दोनों ने पलटा है और दोनों ने परफॉर्म, आपको किस तरीके से परफॉर्म करवाना है खिलाड़ियों से ये भी तो कप्तान की जिम्मेदारी होती है, महेंद्र सिंह धोनी को इतना बड़ा कप्तान क्यों मानते हैं, क्योंकि किस खिलाड़ी से कैसा प्रदर्शन चाहिए आपको, आप एक अजिंक्य रहाणे को ऑल ऑफ द सडन लेकर आए हैं, आप आकाश सिंह देखिए कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं सीएसके में, उनके पास कोई अनुभव नहीं है, राजस्थान रॉयल्स से 1-2 मैच खेले थे, कोई अनुभव नहीं है, आकाश सिंह पथिराना श्रीलंका के, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो जब आपका कप्तान आपके ऊपर जितना विश्वास जताता है, किस हिसाब से सपोर्ट करता है, किस हिसाब से काम निकलवाता है, वो जरूरी है, आप सीएसके में भी देख लीजिए कोई बॉलर आप देखेंगे किसी को भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे वो मंगाला आए थे उनको भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, आप रिटायर्ड थे उनको भी ज़्यादा, तो
फिर भी जीत रहे हैं ना। बिल्कुल जीत रहे हैं, और ये तो श्रेय जाता है कप्तान को, आपको किस तरीके का बैटिंग ऑर्डर रखना है, आपको किस नंबर पर किसको भेजना है, गेंदबाजी में आपको कैसे चेंजेस करने हैं, तो उस सबका इम्पैक्ट तो देखिए पड़ता ही है। और नूर अहमद की तो आज जितनी तारीफ कीजिए आपका मैं, 4 ओवर 37 रन 3 विकेट इन्होंने हासिल किए और महत्वपूर्ण विकेट चाहिए थे जब गुजरात टाइटंस को, तब निकाल कर दिए। और वो जो कहते हैं ना कि एक जज्बा जो लड़ने का, जैसे कि आप पहले भी कह रहे थे कि जज्बा दिखाओ तो सही, करीब तो लेकर जाओ, लेकिन हर खिलाड़ी को बस यही था कि मारना है मारना है, लेकिन आपको डीप ले जाने की भी तो जरूरत होती है। आपने मारना बहुत बड़ा शब्द कह दिया, मैं तो कह रहा हूँ बॉल और बैट के बीच का मिलन तो हो, टच तो हो, बैट पे लगे तो सही। रोहित शर्मा कितनी बार बीट हुए, ईशान किशन कितनी बार बीट हुए, ईशान किशन पता नहीं मेरे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या साबित करना चाह रहे हैं, क्या मुंबई इंडियंस, इन टीम इंडिया से तो ऑलमोस्ट जगह उनकी जा चुकी है, ऐसे ही खेलते रहे तो शायद मुंबई इंडियंस से भी प्लेइंग 11 से बहुत जल्दी बाहर हो जाएंगे इस सीजन, नहीं क्योंकि इस सीजन तो वैसे ही खिलाड़ियों का वो कहते हैं ना कमी है। तो ईशान किशन के बारे में क्या कहेंगे मनु, 15 करोड़ ही है। बिल्कुल, और मुझे एक बात बड़ी चुभती है, बिकॉज पैनिक होता है कोई जो बैट्समैन स्टार्ट मिलता है, जिसने 12 बॉल में 23 बनाए हैं या जिसने 20 रन बनाए, उसके बाद जब कोई बैट्समैन आउट होता है, ये देखिए आउट होने को तो कोई भी आउट हो सकता है, जीरो पे आउट हो सकता है, लेकिन जिस बैट्समैन ने जिसका फुटवर्क अच्छा हो, 2-3 शॉट अच्छे मारे हो, ऑन द राइज अच्छा खेलते हैं ईशान किशन, उसके बाद जब आउट होते हैं तो वो चीज़ बड़ी पैनिक करती है, क्योंकि आपको स्टार्ट तो मिला है, अब उस स्टार्ट को आपने कन्वर्ट नहीं किया, आप जब तक आप इनिंग को पेस नहीं करोगे तब तक आपके साथ में स्ट्रगल होगा ही होगा। फुटवर्क की बात कर रहे हैं, मुझे आज की पारी में या आज की क्या 2-3 पारी में कोई फुटवर्क नहीं दिखा है, जहाँ स्पिनर्स आते हैं फंस जाते। बट आई थिंक हमें तारीफ मोहम्मद शमी की भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन्स दिए हैं, वो भी आखिर में पड़े हैं, 2 ओवर में शुरुआती में तो वो कहते हैं ना गेंद में चौका आया था, गेंद ऐसी हिल रही थी जैसे सांप की तरह आ रहा हो, पूरे समझ में आ ही नहीं रही थी कि शमी तो वर्ल्ड क्लास है, और उम्र के साथ और अच्छा प्रदर्शन उनका होता जा रहा है। लेकिन शुभमन गिल 34 गेंद 56 रन, जैसा कि मोनू ने कहा टेम्पलेट इन्होंने सेट कर दिया था, इसके बाद मिलर और अमीना मनोहर ने जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, और राहुल तेवतिया ने आकर उस पर वो कहते हैं ना हल्का सा तड़के का नमक जो कम होता है वो लगा दिया था, और 200 के पार जब स्कोर पहुंच गया था तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। और अर्जुन तेंदुलकर की अगर बात करें, ठीक है आज 2 ओवर 9 रन जरूर दिख रहे होंगे, लेकिन वो ओवर आपके वैसे वाले नहीं थे जब पिटाई हो रही थी या होने वाली थी, आज दिया ही नहीं, आज दिया नहीं ओवर, एक विकेट भी हालांकि उन्होंने हासिल किया, लेकिन क्या मुंबई इंडियंस बैकफुट पर जा रही है अर्जुन तेंदुलकर को लेकर, या आप कहेंगे कि अभी ठीक है इनएक्सपीरियंस है अभी थोड़ा टाइम चाहिए। बट मेरे हिसाब से जितनी भी गेंदबाजी कर रहे हैं पावर प्ले में बहुत सही कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद अभी 2 ओवर दे रहे हैं उनको, आप 3 ओवर दे सकते हैं पावर प्ले में, क्योंकि जिस लाइन और लेंथ के साथ कर रहे हैं और जिस कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं, तो मैं अगर मैं कप्तान होता तो शायद अर्जुन तेंदुलकर को आज भी एक एक्स्ट्रा ओवर देता पावर प्ले में। और आज तो एक छक्का भी लगा दिया, तो बैटिंग भी देखने को मिली मुंबई इंडियंस के सारे फैंस को, कि जो इंतजार कर रहे थे बड़े टाइम से कि अर्जुन तेंदुलकर की बैटिंग देखनी है, उनको एक छक्का भी देखने को मिल गया। तो थोड़ा बल्लेबाजी में भी मुझे लगता है कि पिछले कुछ मैचेस में हम देख रहे थे कि हमें लग रहा था कि शायद अर्जुन तेंदुलकर को भेज सकते हैं, क्योंकि रणजी में बैटिंग में कमाल का प्रदर्शन करके आए हैं, तो लग रहा था कि अर्जुन तेंदुलकर को भी शायद आप बल्लेबाजी में भी प्रमोट कर सकते हैं। मोनू क्या ऊपर भेजना चाहिए थोड़ा सा, पीयूष चावला के भी बाद आए थे। नहीं, ये देखिए टीम मैनेजमेंट की भी सोच होती है कि इस नंबर पर उनको लेकर जाएं, बट आई थिंक मेरा एक सवाल आप दोनों से है कि अब आगे क्या, मतलब मुंबई को अब क्या कोई बदलाव करना चाहिए गेंदबाजी में, क्योंकि उनका वीक लिंक्स है गेंदबाजी उनका अभी भी, तो उसको कैसे भरा जाए, ऑप्शन क्या, ऑप्शन है ही नहीं उनके पास, क्योंकि बहुत लिमिटेड ऑप्शन, इनफैक्ट आज जोफ्रा आर्चर भी नहीं थे इस टीम में, जोफ्रा आर्चर का तो समझ में आ ही नहीं रहा है, आज मैं खेलूंगा अगला मैच नहीं खेलूंगा, फिर खेलूंगा फिर नहीं खेलूंगा, अनवेल क्या होता है, या तो आप फिट नहीं है, कप्तान कहते हैं फिट है, अनवेल फिर एक मैच में अनफिट हो जाते हैं, एक में अनवेल हो जाते हैं, क्या डिफरेंस है। डिफरेंस तो अब देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पिछला सीजन भी नहीं खेले थे पूरा, और ख़रीदा था इनको मेगा ऑप्शन में, भाई बुमराह आएंगे, जोफ्रा आर्चर आएंगे, ऐसे तो इनका समय ही निकल जाएगा, जब आएंगे तो पता नहीं कब आएंगे, इस चीज़ का तो कोई जवाब नहीं है, मुंबई इंडियंस के पास भी शायद इस चीज़ का जवाब नहीं होगा। और उसके अलावा बात करें अगर टिम डेविड के बारे में क्या कहेंगे, ये भी मतलब खड़े खड़े लंबे लंबे छक्के लगाने के माहिर बताए जाते हैं, लेकिन आज तो फुल टॉस पे आउट हुए हैं, वैसे भी देखिए दबाव में थे, क्योंकि जब ये आए थे तो इनके पास कोई चारा नहीं था, हर बॉल पे इनको दबाव में भी आपको निखरना पड़ेगा ना, कुछ लोग दबाव में बिखर जाते हैं कुछ लोग निखर जाते हैं, लेकिन ये कैसे खिलाड़ी हैं जो हर बार दबाव में बिखर जाते हैं।
देखिए इस पर काम करने की जरूरत होगी। और जिस तरीके से अभी हम मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है हर एक का स्कोर कार्ड एक दो को अगर हम छोड़ दें तो आज जिस तरीके से परफॉर्म किया उसके बाद ये सोचना होगा कि अब किस तरीके से निखरा जाए, क्योंकि 5 बार के चैंपियन मुंबई अगर इस तरह का परफॉर्म करे तो जाहिर तौर पर सोचने वाली बात है। और किस तरीके से आज उन्होंने परफॉर्म किया ये भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन जो बॉलिंग ऑर्डर है उसको लेकर अभी जो कमियां हैं वो दिखाई दे रही हैं और ऐसे में उस पर किस तरीके से काम किया जाए ये देखना होगा। देखिए लक्ष्य और चिराग, अब इस बात पर तो मंथन हो ही रहा होगा कि चौथा मैच है ये जो हाथ से निकल गया है, प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अब कुछ तो करना होगा, ऑप्शन नहीं भी है तो कुछ तो करना ही होगा ताकि आप परफॉर्म कर सके, आप इसी तरीके से पूरा आईपीएल तो नहीं खेल सकते। देखिए एसआरएच के साथ क्या चीज़ है, एसआरएच के साथ उनको पता है कि उनके बल्लेबाजी स्ट्रांग नहीं है तो उनकी गेंदबाजी काम करके दे रही है। मुंबई इंडियंस को कुछ नहीं करना है, मुंबई इंडियंस को ये पता है कि उनकी गेंदबाजी वीक है तो बल्लेबाजों को कहना होगा कि अब यहां से हम जिताएंगे, क्योंकि नाम तो सारे बड़े बड़े हैं ना आपके पास गेंदबाजी में, आपको पता है कि आपके हर मैच में शायद 15-20 रन ज्यादा बनेंगे, उस रन को आपको बल्ले से कंट्रोल करना होगा। चिराग कुछ नाम देखिए, कुछ नाम तो बड़े हैं और जो बड़े नहीं है तिलक वर्मा वो तो परफॉर्म वही बड़े नाम तो परफॉर्म ही नहीं कर रहे ना, बड़े नाम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, रोहित शर्मा हो, ईशान किशन हो, सूर्य कुमार यादव, कैमरन ग्रीन, टिम डेविड, आप देखेंगे बल्लेबाजी बहुत पेपर्स में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है लेकिन जब मैच पर उतरती है तब बल्लेबाजी को भी किसी की नजर लग रही है और गेंदबाजी तो चलिए कमजोर है। गुजरात टाइटंस की अगर बात करें तो ये मुकाबला जीतने के बाद पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर आ गई है और राजस्थान रॉयल्स खिसक कर नंबर 3 पर आ गई है। कोई नहीं, कल परसों मैच है ना, जीत जाएंगे, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैच है कोई बात नहीं, होम ग्राउंड पर हो रहा है, इस बार चेन्नई को चेन्नई के घर में हराया था ना,